विधानसभा में तीन महिला विधायकों ने अलग अलग अंदाज में दिखाई शक्ति। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। माँ दुर्गा को शक्ति, माँ सरस्वती को बुद्धि और सभी देवियों को सुंदरता का स्वरूप माना गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिला दिवस के मौके पर देवियों के इन स्वरूपों को महिलाओं के अलग अलग रूप देखने के लिए मिले हैं। इन्हीं के बीच विधानसभा में तीन महिला विधायकों ने भी महिला शक्ति को अपने अंदाज में दिखाया। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची तो विधायक सीता सोरेन ने बतौर सभापति सदन का संचालन किया। वहीं विधायक दीपिका पांडे ने सहिया बहनों का मान बढ़ाने के लिए उनसे मिली, साड़ी पहनकर सदन पहुंची। अंबा को घोड़ा मिला गिफ्ट, सवारी कर किया धन्यवाद। हजारीबाग के बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए घोड़े पर बैठकर पहुंची। महिला दिवस के विशेष मौके पर उन्होंने अपना दिन खास बना लिया। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पुत्री अंबा विधायक बनने के बाद हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इससे पहले वे विधानसभा में साइकिल चलाती हुई नजर आई थी। दरअसल इंटरनेशनल पोलो ग्रुप ने अंबा प्रसाद को झारखंड में घुड़सवारी के खेल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंटरनेशनल पोलो ग्रुप ने अंबा प्रसाद को लिखे पत्र में कहा है कि आप झारखंड में युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप खेल को लेकर उत्साही हैं। पोलो खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और रिटायर्ड आर्मी कर्नल रवि राठौड़ ने अंबा को संगठन की ओर से घोड़ा भेंट किया। अंबा ने भेंट को सहज स्वीकार करते हुए घोड़े की सवारी कर धन्यवाद दे दिया। उधर महिला दिवस के अवसर पर अंबा ने विधवा महिलाओं को एक तोहफा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त महिलाओं का सहृदय अभिनंदन। इस अवसर पर अंबा फाउंडेशन के पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत 115 गरीब विधवा महिलाओं को स्थानीय रोजगार व 9000 रुपए प्रति माह रुपया सुनिश्चित की गई है। कालांतर में इससे अन्य युवाओं, महिलाओं, स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा। सीता ने सदन संचालन कर दिखाई क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा के संचालन की जिम्मेदारी सीता सोरेन को मिली। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और सदन संचालन की क्षमता को दिखाया। वह बतौर सभापति सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी, भाजपा विधायकों का विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे विरोध को संभाला तो सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद इसे पारित करने में भूमिका निभाई। सीता सोरेन को सोमवार को दूसरी पाली में सभापति के रूप में सदन संचालन का मौका दिया गया। दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट पर सदस्यों का विचार रखने के लिए समय निर्धारित किया। इसके बाद सीता सोरेन को सदन संचालन संभालने के लिए दिया गया। सीता ने सदन संचालन संभाला तो एक एक कर सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने बजट पर अपना अपना विचार रखना शुरू किया। इस दौरान सीता ने अपनी जिम्मेदारी को काफी अच्छे तरह से निभाया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भी उनका पूरा साथ दिया। सीता ने लगभग आधे घंटे सदन का संचालन किया। इसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष सदन संचालन के लिए लौट आए। बाद में विपक्ष के सदस्य वॉक आउट कर सदन से निकल गए। उनकी अनुपस्थिति में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से स्वीकृत की गई। दीपिका ने सहिया बहनों का मान बढ़ाया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सहिया बहनों के लिए महिला दिवस का दिन खास बना दिया। वह सहिया बहनों द्वारा दी गई साड़ी पहनकर सोमवार को बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंची। उन्होंने इस बात को कहा भी कि यह सहिया बहनों और उनकी भावनाओं का सम्मान है। राज्य की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इसमें सहिया बहनों का भी विशेष योगदान है। इस मौके पर दीपिका ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। इसी मांग के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में दीपिका ने मांग रखी है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।